good morning students today we will discuss about the process of mitotic division so let's start how mitosis occurs so now you can see here it is mother cell and inside the mother cell you can see inside the nucleus this is the nuclear membrane so inside the nucleus क्रोमोजोम्स आर इंटेंगल्ड विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे से उलझे हुए हैं एंड दे आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट वी आर कॉल्ड क्रोमेटीन फाइबर्स बट वेन दे विल प्रोसीड टू सेल डिविजन दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम्स विल कंडेंस एंड दे विल फॉर्म थिक क्रोमोजोम्स और जो यहाँ पर ये उलझे हुए हैं इंटेंगल्ड हैं ये भी सेपरेट होकर अलग अलग सेट में आ जाएंगे और हमारी सुविधा के लिए हमने यहां पर ऐसा मदरसे लिया है जिसके अंदर ओनली टू पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं यानी सेट नंबर वन क्रोमोजोम है और सेट नंबर टू क्रोमोजोम है बस अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्लियर होंगे तो आपको कुछ सेप इस तरह से दिखेगा ये देखिए सेट नंबर वन बन के आ जाएगा ठीक है जब यह सेल डिवीजन में जाएंगे और यह सेपरेट होकर कंडेंस होंगे तो यह सेट नंबर वन इस तरह से आ जाएगा और सेट नंबर टू कुछ आपको इस तरह से मिल जाएगा ये दिस इज द सेट नंबर वन सेट नंबर टू सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ क्रोमोज यू कैन सी नहीं टू पेयर्स ऑफ क्रोमोजम हमें मिल गया तो ये जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तब तो यहां पर कुछ इस तरह का कंडीशन मदर सेल में है और यही कंडीशन अभी यहाँ पर इंटेंगल्ड है यही जो टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनकर इंटेंगल्ड हो गए हैं लेकिन जब ये कंडेंस होकर सेपरेट होंगे तो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा जो मैंने आपको यहाँ पर पहले दिखा दिया सो कैन यू कैन अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे नो आफ्टर दैट दिस मदर सेल विल इंटर इन द एस फेज यू कैन सी हेयर एस फेज जब एस फेज में इंटर करेंगे जब एस फेज में इंटर करेंगे और हमारे पास एस फेज में जाने से पहले कुछ इस तरह का सिचुएशन था एस फेज में जाने से पहले कुछ इस तरह के सिचुएशन थे आप देख सकते हैं ठीक है और इन द लास्ट वीडियो वी हैव आल्सो रेड कि जब एस फेज में जाएगा तो क्या होगा क्रोमोजोम्स डुप्लीकेट करेंगे डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोजोम्स यानी जो ये आर्म्स हैं क्रोमोजोम्स के डैट आर्म वी हैव कॉल्ड क्रोमेटिड्स। दिस सिंगल आर्म इज कॉल्ड दिस सिंगल आर्म इज कॉल्ड क्रोमेटिड। ठीक है और जब ये एक दूसरे से सेंट्रोमेयर की मदद से जुड़ जाएंगे देन वी कॉल्ड इट क्रोमोजोम्स क्लियर तो ये आर्म अपना एक आर्म और बना लेगा और ये आर्म भी अपना एक आर्म और बना लेगा तो कैसे आप देखिए एस फेज से आने के बाद ये देखिए ये अपना एक आर्म बना के आ गया और ये वाला भी अपना एक आर्म और बना लेगा आफ्टर एस फ्रिज अब देखिए ये सेट नंबर वन के ही हुए ठीक है दोनों आर्म डबल हो गए अब देखिए सेट नंबर टू के जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक अपना आर्म बना लेगा और इसका एक आर्म और सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये देखिए ये इसके साथ एक और आ गया और इसके साथ भी एक आ जाएगा ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्फेज आफ्टर एसफेज वी विल गेट सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेट नंबर टू एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेट नंबर वन आप इसको याद रखिएगा एंड इट विल भी इनसाइड द न्यूक्लियस वनली और प्रोफेज में क्या होगा लेटर प्रोफेज मैं तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोफेज लिख के बैठ गया हूँ लेकिन जब ये प्रोफेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा यानी ये ब्रेक करेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा धीरे धीरे ठीक सेंट्रोजूम्स अपने पोजिशन पर जा रहे हैं हम इसको बोलते हैं पोल्स ये पोल्स हैं ठीक है और इधर ये भी पोल्स हैं क्लियर

ट ऑफ क्रोमोसोम अरेन्ज बिसर ये सेट नंबर वन के क्रोमोसोम है और नंबर टू क्रोमोसोम ठीक है ये एक दूसरे के अगल बगल अरेन्ज हो जाएंगे बिसाइड टू इच अदर इसलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूं बिसाइड टू इच अदर सेल का स्ट्रक्चर छोटा है बट इट विल बी पैक्ड इन साइड द सेल वनली ठीक है तो यहां पर देखिए ये जो सेट नंबर वन का है सेट नंबर टू के बगल में हो गया और सेट नंबर टू का सेट नंबर के बगल में ठीक और यहाँ पर सी ये से जो की मदद से इसके से अटैच होते हैं ठीक है थीक? और ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहा होता है सेंट्रोजोम से क्लियर एंड आई है तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर आर होमोलोगस क्रोमोजोम क्लियर बट अगर आप येलो और रेड वाले को कंपेयर करेंगे तो दे आर हेट्रोलॉक्स दे आर हेट्रोलॉक्स बिकॉज वॉट एवर द डीएनए पैटर्न इज प्रजेंट हियर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रेड क्रोमोजोम नहीं ठीक तो होमोलोगस होमोलोग आर अलाइंड टू ईच अदर एट मेटाफेजिक्लेट डेट वेपर लिपट प्लेट नो एना फेज एनाफेज में क्या होगा स्ट्रेचिंग होगा स्ट्रेचिंग होने से क्या होगा कि अब जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हमने देखा था यहां पर अब ये एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से यहाँ पर थे दे आर बिसाइड टू इच अदर हैव टू शो इन दिस वे सो व्हाट विल हैपन यहाँ पे होगा क्या अब देखिए इसका एक आर्म यहां से सेंट्रोमेर से कर कर ये एक आर्म ऊपर चला जाएगा अपोजिट पोल की तरफ और एक आर्म इसका ये इधर चलाएगा क्लियर इसका भी एक आर्म ऊपर एक आर्म नीचे आ जाएगा एक एक क्रोमेट्स नीचे आ जाएंगे इसका इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेट्स ऊपर चला जाएगा इस क्रोमेट दूसरा क्रोमेटेड्स नीचे आ जाएगा सिमिलरली इसका भी और फिर इसका भी हो जाएगा आप देखिए तो इस तरह से दे आर मूविंग टुवार्ड्स दे आर अपोजिट पोल ये अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं मूव करने के बाद अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट फेज में डेट इज़ द टेलो फेज ठीक है सो बिफोर टेलो फेज आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि सिस्टर क्रोमेट्रिक्स मूव टू अपोजिट पोल्स डेट आई हैव टोल्ड यू क्लियर सो ये ऊपर चले जाएंगे और ये टोटल नीचे चले आएंगे क्लियर एंड आफ्टर दिस एना फेज वाट विल हैपन इन दिस टेलो फेज टेलो फेज में क्या होगा कि अब ये जो स्ट्रेचिंग होता है अब यहाँ पर ये क्लीवेज बनना शुरू हो जाएंगे ये देखिए मैंने यहां पे लिखा यह क्लीवेज ठीक है ये क्लीवेज बनना शुरू होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाएगा जो डिस हो गया था एंड देन ये सेट नंबर वन के क्रोमोसोम और सेट नंबर टू के क्रोमोसोम्स यहां चले आएंगे और ये यहां चले आएंगे क्लियर और आफ्टर डेट ये कंप्लीटली धीरे धीरे यहां से ये कंप्लीट यहां से ये क्लीवेज होकर ये डिवाइड हो जाएगा और ये ऊपर वाला एक सेल बना लेगा और नीचे वाला एक सेल बना लेगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड उसके बाद देखिए मैंने यहां पे लिखा साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में होता क्या है तो डिवीजन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों सेल में बिकॉज विदाउट साइटोप्लाज्म सेल विल नॉट बी इन लाइव कंडीशन एंड फिजिकल सेपरेशन ऑफ द सेल आप देख सकते हैं सेल कंप्लीटली डिवाइड होकर दो हो गए और यहां पर जो क्रोमोजोम हैं ये क्रोमोजोम्स देखिए ये सेट नंबर वन के क्रोमोजोम्स हो गए यहाँ पर आ जाएंगे और ये सेट नंबर टू के क्रोमोजोम्स हो गए जो यहाँ पे आ जाएंगे क्लियर फिर दूसरे वाले में भी सेम काम होगा यहाँ पर सेट नंबर वन के क्रोमो सेट नंबर टू के क्रोमोजोम है ये और ये सेट नंबर वन के क्रोमोजोम यहाँ पे आ जाएंगे आप देखिए सो so, देख सकते हैं सो so, आप देखिए तो ये जो दो डाउटर सेल हमारे पास बने दीज आर द टू डी ये जो दो डॉक्टर सेल्स हैं इन दो डॉक्टर सेल्स में अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो व्हाट एवर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वॉज प्रेजेंट इन मदर सेल सेम वी हैव गॉट देखिए मदर सेल ये ये तो अभी हमारे पास डॉक्टर सेल का अब अगर, अगर मदर सेल को आप एक बार फिर से देखना चाहें तो मैं मदर सेल को आपको दिखा सकता हूँ मैंने कहा था कि जब ये सेल डिवीजन में जाएंगे तो बिफोर एस फेज जब ये क्रोमोजोम कंडेंस करेंगे तो इनमें पैटर्न कुछ इस तरह का आपको दिखेगा नहीं पैटर्न आपको कुछ इस तरह का दिखेगा मैंने आपको कहा था ये वाला कंडीशन तो ये सेट ना ये सेट ये टू कॉपीज हो गए नहीं क्रोमोजोम के ये यहाँ पर है सॉरी मैं तो ये दोनों सेल का ले आया ये तो एक सेल का ही मैं आपको दिखाऊंगा ना ये देखिए मदर सेल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था मदर सेल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था अब देखिए कोई एक डॉटर सेल को मैं उठाता हूं किसी एक डॉटर सेल को ले लीजिए नीचे वाला या ऊपर वाला कोई ले लीजिए तो डॉटर सेल में भी आप देख सकते हैं जो मदर सेल में स्ट्रक्चर है आप देखिए जो मदर सेल में स्ट्रक्चर है वही डॉक्टर सेल में भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रोमोजोम का पैटर्न यहां भी सेट नंबर सेट टू सेट ऑफ क्रोमोजोम है और यहां पर भी आप मदर सेल में देख सकते हैं टू सेट ऑफ क्रोमोजोम है ठीक है यहां भी टू सेट तो मीन्स कहने का है कि डेट्स वाइट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन means whatever the number of chromosomes present in mother cell, same number of chromosomes present in daughter cell. Now, after this, the importance of importance the, more importance, the main important thing we have to learn about the importance because the definition of the mitosis phages we have discussed. So, importance, so this mitosis is responsible for the growth and development of our body not only in animals in plant also you will read in tissue chapter meristematic tissue and different types of tissue continuously dividing plants are growing it is only due to the mitotic division in the cell i hope you have understood thank you very much and please don't forget to subscribe the channel and please write in the comment box how was this video have you enjoyed it or not and what improvement you need.